same on Justice Kothi. Bhaiyo, Bhaiyo, विस्तार से समय का मेरे पास अभाव है। कल साथी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आज का जो सम्मेलन है उसमें चली, और मैंने निवेदन भी किया था कि इसको दिल्ली में करना चाहिए। वक्त का ऐसा हुआ कि कई पार्टी का सम्मेलन है, इसलिए मैं आप सब लोगों आजकल के जो लोग समता और समाजवाद के लिए खड़े रहते हैं, आज भी तो कल देश उनसे ही बनने वाला। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज देश संकट में है, विकट संकट। आज जिस तरह से धक्का मार करके जो भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा को जो ओथ दिलाई है, ये मामूली घटना नहीं। कांग्रेस और जेडीएस का, कांग्रेस का बहुमत, कांग्रेस का ज्यादा वोट था भारतीय जनता पार्टी, जेडीएस का वोट मिलाने के बाद लगभग 55% जनता एक तरफ, बीजेपी हराई गई। इसके बाद गवर्नर से लेकर के, दिल्ली से लेकर के सब लोगों ने ये जो सरकार बनाई है, तो खेत रहेगा तो फसल रहेगी। ये संविधान कायम है तो फिर हर तरह के विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि जो कर्नाटक में हुआ है, जिस तरह से गोवा में कहते हैं कि गठबंधन की सरकार बन जाएगी, वहां कांग्रेस पार्टी का बड़ी पार्टी थी, मणिपुर में बड़ी पार्टी थी, मेघालय में बड़ी पार्टी थी, वहां कहा कि कांग्रेस पार्टी जो बड़ी पार्टी उसको नहीं बुलाई, और यहां कर्नाटक में कह रहे हैं कि आप बड़ी पार्टी बनाएंगे। एक सरकार और दो तरह का काम, यही मर्यादा के खिलाफ और यही संविधान के बाहर है। जिस तरह से ये काम हुआ है, अभी बहुत से साथी और बहुत लोगों की पार्टी से हमें चर्चा भी करना है, कल का सम्मेलन भी। इतना ही है कि आगे बड़ा संग्राम है और ये लड़ाई शिद्दत से लड़ी जाएगी। जो हमारे पुरखों ने आज तक हर समय संकट में इस देश में संग्राम किया है, वो संग्राम जो है फिर से हम सब लोगों को करना है। और जिस तरह का चारों तरफ, चाहे वो दलित है, चाहे वो अक्लियत के लोग हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चारों तरफ जिस तरह के अन्याय हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी एक तरह से जो सब कानून है उनके लिए इतनी कुर्बानी हुई है, तो अडाक और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पार्लियामेंट के भीतर भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सारे विभाग में, सरकारी या निजी को एक तरह से सुरक्षा। नया ऐसा कानून लाया कि आप पेंशन ही जो सरकारी कर्मचारी को नहीं मिले, एक काम नहीं, किसान की जिंदगी तबाह कर दी, दलितों का, वंचित समाज के लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया। नोटबंदी और जीएसटी के चलते हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी उसको बहुत पीछे कर दिया। अब जो है वो बोल नहीं, सबकी समझ आ रहा है, इतिहास दीवार पर लिखा हुआ। अब तो संग्राम का दौर है,
और कल एक बड़ी पहल हम लोग करेंगे और देश भर में ये जो सरकार है एक ही लक्ष्य है, इसको हटाना है। ये संविधान के खिलाफ सरकार है और इसको दूर करना है। ये क्षत्रिय के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, ये किसान और कुशलों के खिलाफ है, ये मजदूरों के खिलाफ है, ये धंधे और उद्योग के खिलाफ है। ये पूरी तरह से हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने वाली सरकार है। इसे हमने पहले भी कांग्रेस पार्टी ने गुनाह किया तो उसके खिलाफ भी संग्राम किया था, इसके खिलाफ भी संग्राम किया।